भगवान, एकांत कल बीमारियां लगी है चमाना कल होल पर गुंड में सूर्य ऐसा खो दी हमारे रह के तो कुमारी तो बन तो भाषा तो बस गांव की लगान छ तो हिंदी तो आती नहीं तेरे को लगानी वाला जो एक हरोड़ मैं बहुत देर दूं छ जाने लगूं तू ये खा के रूंदी ला खाना बना दी चल खाना बना रोमा क्यों तू लेकिन तूने फालतू में तुमने ठंड भी जाना छाव घड़ा धूप सेक दू राम राम आ धूप बढ़िया अच्छी लगी धीरे दुन जाना सपनों में आप पूरो हो जा पैकिंग तो मैं ख्याल करे ली बैग भी तैयार छ अब मैं गुन्नू खा लेना जान छु मैं थोड़ा गुन्नू कपड़ा भी तैयार छ मैं रखा अब मैं थोड़ा गुन्नू खा लेना जान दो पता नहीं खज जाएगी पता नहीं कहाँ मरेगी आज क्या बोलता फुंडा छी भगवान पता नहीं कब फुटी तक पाओ तक छी अमित तक खोलो पड़ा लो गुन्नू ओ गुन्नू दिखते माटवा तक ख्याल लगू बहुत बिगड़े छी यो ई फुल रह रहे के है ना चल गुन्नू तुम्हारा रह रहे के तो कुमारी तो बन तो भाषा तो बस गांव की लगान छी तू हिंदी तो आती नहीं तेरे को लगानी वर बस चल ससुर जी दिखा मैं पैकिंग करे छ आ मैं देहरादून छ जा रहा कति बार मु मसूरी को बाटू बंदल में बर्फ पाने लगी आज कल मसूरी को बाटू बांध छ हुई मैं अपनी माजी ले फोन करी नीचे बर्फ तुम्हारी माजी चलान गाड़ी कल मेरे माजी की बात कर दो छ ससुर जी तुम्हारा आज न जान शाम को सुरेश और तुम्हारे सास सुनो बहुत जाए रहे तब से पूछ गए तब जहर से न जाना तब ठीक छ ससुर जी आ सास जी कोनी आणा दिन में तब रात पैकिंग करे छ मेरी ठीक छ तब ठीक छ चल हाथ धो के ले जा तब खाओ खाए चल भगवान ससुर जी तो चाहते नहीं छी मैं देहरादून जाओ बस काम 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 कथिया तो कर मैं काम छी मैं तो तंग है कि छी काम काम करी करी के बस बहुत कुछ सूर्य उदय निकाला दूं छी मैं और सुबह ही जाऊं दूं छी मैं रात होगी कब नहीं वेलकम लगा ना कोई पहुंच बोली के बोल लेता सन भी दवा दवाई खाए खोए के मरने भी नहीं मलगी हूं अरे तने बोल सब नसीब नसीब को खेल छ मौत जब री होनी हो तब री अपना आप होंदी तले को मौत कभी बताए के नहीं होंदी बुआरी को पर भी वाला ब्याह मु गाड़ी तू हुआ क्या ले पीछे पिताजी तुम वाला अरे बेटा कब उन्हीं ना पूछ तू ब्याह तेरे बार इतरो मुख बनाए भोंगला भोजन खाई के ते पिताजी तेरे निन्या प्लान हंदल गुण प्लान दुनिया भर के स्कूल ते उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सरकारी स्कूल एक से एक बढ़ गयी मतलब सरकारी स्कूल भी अध्यापक बन गए रिटायरमेंट हुई और तेरे बार कौन देर तुम पढ़ा तू अच्छा जरा मैं पूछ दूँ ठीक है ठीक बेटा अरे सूर्यास्त में कम लेते चाय लावा
कनकर डोल बगुन बिगारे मेरा कुतारू तरानो तो पला लो ती बापू लिन ता उठे लबियेला सरबर कि देर नु अरे तू टेंशन ना कर बा ज्यादा टेंशन ना कर तेरे बुआ ने लुगो नुड़ी गा लगी अब तो बोल सही बात छु लाड़ का क्या लांग बुआरी हां ससुर जी चल आ यार छोला क्यों रुका सासु जी प्रणाम ले बच्चा एहसान छे तू प्रणाम करके गाना हां कन एहसान छे गाना क्यों हुए की छ में सासु जी को ठीक अब की कन में तो सेवा ना करने क्यों का मैंने कन ठीक हो ठीक दिखा नहीं तू खांसी वाण क्या तू जुकाम लगे तो ठीक ठीक छो मैं बहुत की पैकिंग कर छो मैं बहुत सुबह जा छो मैं ठीक छे ससुर जी तू के तल पर इकरा के रन हाथ में लगी तनी मगी कन पिताजी तब तुमने न कन तो न कन कुछ और तो न समझार थे जी कत्ती बार समझे मैं समझ नहीं नहीं तब मक्के का नहीं तने तुम्हारे तन बात या तो बड़ा बाबा कर करता मैं नहीं तो यू ही सिखाए मैं तो अपने बार उधर मैं मोटी बार रख रही हूँ ना सुन क्या की ना सुन रहा ना बुआ सुन तो ना लाड़ी सुन क्या की मैं ना सुनाओ पिताजी मैं देख तू जरा तैयार हाँ जरा समझा और बुआ बस काम 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 छी मैं अपनी माँ जिले करते फोन क्यों है तू ना लगी अरे सुन रही नीचे तो तेरे कन्यालो कीड़ा छिपके पड़े हैं और इस सामान का लेते पैक कर यहाँ मछली तेरे खराब दे रहे दोन सारा पैसे तो माँ का इलाज पर लेगी कर माँ का इलाज पर मैं अपने बच्चे को भविष्य नहीं सुधारू क्या बस एक गाँव में रह रहे के काम करूँ बस मेरे तक कोई इज्जत नहीं चाहिए तक हो जाएगी के भविष्य सुधार दू तेरे तक हो जाएगी सब कुछ मैं पढ़ो लो लिखो लो और खुद भी खुश रहो बस यूं बुढ़िया यहाँ कथा सेवा कर करके इसको बता दू तेरे खराब हुई घर को काम का नहीं माँ की सेवा कर नहीं हाँ कर माँ की तबीयत खराब चल रही हाँ रोटी कैन पकाए तू खेत कैन सामान है मतलब कुछ नहीं झाड़ दू कर रहा ना कर रहा कोई मैं बस अपना आराम ले अपना बच्चा को भविष्य तू आ दू तो आओ वरना मैं जाना छू लगी दिखता थी रश्मि दीदी नहीं और दिखता थी सुरेख दीदी और सीमा दीदी दिखता थी जाओ खूब सरकारी नौकरी और तो लेता यहाँ पढ़ो ना सरकारी नौकरी तो मेरी तो किस्मत ही थे फूटो जो मैं तो ले आए थे दीदी को बस तू जाओ तो बेचारा सरकारी नौकरी तो मास्ता लेता मैं कपाओ फोड़ लिख नहीं वो फोड़ू ना कपाओ बस ही सुरेख दीदी को बस तू जाओ तो बेचारा सरकारी नौकरी तो मास्ता लेता मैं कपाओ फोड़ लिख नहीं फोड़ू ना कपाओ बस दिन भर बैठे और तेरे भाई की सेवा करो तेरे बाबा की सेवा करो जो कमाओ क्या तुम खाना क्या खाना लगे हाँ कल क्या हरे बड़े सयानी और ना क्या खाना बिहार में था एक आयु मेरे भाई बिहार जल मिले एक राशन पानी और माँ जी को इलाज में कर कत का पैसा लगी पहले पता नहीं चेचा समझ ना समझ बस समझ से तो समझ ना सकती तू मैं बहुत देर जान छु मेरे गुनु भविष्य वो एक चीज खराब दिखता गौफुल की गवार जन गाय जन सिकड़ लगे तू यहाँ कौन कहल है फोन करने लगी और तेई बेटी का रेट बनाता देर दूं जाना काट लगे मैं समझान मान दी अब सुबह सकल समझा था अलग बात और मैं समझान तो मान नहीं लगे अब तने क्या बोलता फोन कर देर दुना देर दुना तब देर दुना ते दगला में गुनुन बिलगा गुनुन ने गाय हम अटैक सा रहने का हम बेटा यहां गांव ही तपाड़ी हां हम हमने ने अच्छा संस्कार मिला अच्छा संस्कार नहीं तुमने मिला अच्छा संस्कार होते तुमने मिला अच्छी इन इन गंदी बोली बोल थे तुमने हॉस्पिटल जाए के तू माँ चु ओ चाना ओ तू अपने बेबा की सेवा कर चाना कर मैं जान छो लगी ठीक छे ना खुश रह अपने जान तो जा यकी रह तू जा छो मैं लगी अब कमलाई के बात हुई सर दी अब जब बुआरी नहानू तब गाँव आओ ना ठाटा लगानी कि बुआर तुम नहेगी देहरादून वो लाड़ क्या खी तब कई बात उड़ दी अब इन जाके सुरेश ने भी भेज दू समझो हम पहले सुरेश भी जा लूँ वो तब जब जीत ना मान बुआर तक जीत मान छानी अब तुम ना उठे जीत अब सुरेश ने समझा कहीं तब दू जो भेज दू पहले तुम गुन भी जा दूँ तब पला अब देखा जाए तब कन पला जी तक हूँ बच्चा ने बात भी ठीक ही तुम बोल रही है सुरेश 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 बेटा
हाँ पिताजी देखो तो जी इनकरा तू तेरे बार जाए कर दे दूँ वो बगत बगत पर फोन करे ना वो वीडियो कॉल भी करे ना तुम कन पिताजी तुम कन बात करना मकान कन जाए तुमने छोड़ के माँ जी की तबीयत इतना खराब रही बेटा अब क्या कर सकते तेरे बार तो उठाए जीत और अब क्या कर सकता हूँ अब तू तो जान में पड़ा बुआरी को गई बुआर को नहीं रण तक होगा खेती बाड़ी के सामान घर के सामान है खेती बाड़ी के बांझ डाल हुआ लगे जंग करने लगे अब दुनिया सबके खेती बाड़ी बांझ रखी तब क्या करता बगत विपत पर यार आए करे जाए हम देखने लगे वीडियो कॉल भी कर दे रहे हैं भाभी वो थौत्यार माजन थौत्यार होना छुट्टी वालते लेने होगी तबरी आए करे और क्या कर सकते फिर बार तजी उठाएं तो उठाएं गोमा ठटा लाल की बुआरी भेजी बुआरी देर दुन भेजी हूं आप लाड़ी दिया लाड़ी को ना दियो यार रखे और गुनू को ख्याल रखे ना वीडियो कॉल कर दे रहे हैं हां सोच विचार कर विमर्श विचार कर तब बताए मैं हमारे पेंशन छनीज वो मिले हो यार अली हम भैंस बेच जानो खेती बाड़ी हम कर देनी और क्या कर सकते हम अब जब कभी इन दुर्घटना वाली कोई कुछ चीज होगी तब तुम ध्यान रहा तब से उफिया दे तुम डॉक्टर अब हमारा दो दिन की जिंदगी बस जो आज मारी तो मारी बुआ मारी तो मारी ठीक बाबा आर मुझे ध्यान से जान ध्यान से अब देख कौन गुण उन पर आए पुलाए गए क्या बनाऊं तुम्हें हम ना दिखो तो आप पिछली माँ तो दिखा ला हमारा नौ खूब रोशन करे वे जाए करे अजू मैं सोच दू पिता जा जू हाँ अब तुम सोच ही करा चाहे अब तेरे बुआ तो मान निशानी एक बार बात कर दूँ सोच तो क्या तुम तो बैग बुक पैक हुए हाँ ईमान दब कहेगी तेरे बुआ छत्ते तुम मान अगर तुम मान वहाँ थे तो तुम पहले भूलू नहीं थे तूने बात सोचनी नहीं थे ठीक बाबा ठीक बाबा इधर आ बेटा ले वो कोल बिस्कुट खाए गए आराम से चीन बेटा जा छोड़ी गई हाँ में तो दादी छोड़ी गई काली गुंडू कोहरे में तो मेरे गुंडू में खुबरे में तो कौन है दादी की छोड़ी क्या डर लगी मैं उठ कुछ कर दू ना मारी वो कर दी बीमार सकता डॉक्टर डॉक्टर काम कर दे नहीं
दादू क्या सुरेश तो कौन का कमाए तो दादू इन बिया खन भेजो से दो डॉक्टर ना कमा सक रही तो तन मिछनी पप फिर भी ना मैं करे आ दो डॉक्टर अब ना कन रख दो डॉक्टर क्या तुम तन दे तो कन लेंगे कन ले आ तू कर दे तो तू लगाए कर हाव लगवाए करो मैं ना कर दूं डॉक्टर डॉक्टर तू तो मेरी बात ना मानी तो मैं क्या मान तू बात मकड़ा वेज मानो नहीं हाव लाने लेवा तो ना मान तो मैं ये कर देवराज ले बोल बच्चा का जाना सी कितना सुनसान हो गया घर अरे बैठ जा बैठ जी पलम बैठ बैठ मैं सुन तो दिया तुम बोल रहा छी हां बड़ी का तो जान छे देर दिन तुम्हारी तबीयत कान छे ठीक छे दवाई पानी तो चलना बोलो चलना लगी हाँ बड़ी पर्ची आई छे मडियारा पापा की तबीयत खराब हुई तब दवाई ले देर दिन में चल दी दवाई ने तब आए थे मैं गौर अब तुम नहीं तो पता मेरे रस्म की जिद दो ही साल भी टाइम दे रहे तुम के बताने बड़ी नौकरी में कहना नौकरी 100 रुपए तक ले दू हाँ बड़ी तुम बोलो तुम ठीक हो गौर में सब ठीक बड़े ठीक है तुम्हारे तो बड़ी कृपा छे बड़ी हम पर के बोले हो तो मेरे बुआरी दिमाग मत तुम्हारे रह के देर दून चली तो मैं भी जानू पड़े पीछे पीछे हाँ सुनी मैं सुरेश पुला भी जाने चाहो तुम बुआरी भी ना वो भी सजाए ना मिली तो नहीं हिमी कभी पर कभी वर्षा फेसबुक पर बात हो मेरा सुरेश गया ना तो ते कमरा जान ली थी कमरा तो नहीं बारी मैं जान लेकिन फोन नंबर छुवे को मेरा नंबर छने छ तमे
अच्छा बड़ी मैं दीदी उन्हें फोन कर लू तुम कत का बड़े अच्छी बड़ी तुम ते तुम्हारे बुआरी छोड़ के जाए ना ती जबरदस्ती लेकर फिर भी तुम कत कच अपने बुआरी तय करने लगे कोई नहीं हूं बड़ी ऐ जमाना खैर समय समय की बात बड़ी को झाड़ दू विधा तक की को झाड़ है ठीक बड़ी चाय बनो तुम ते प्याओ जे बड़ी चाय ठीक बड़ी तुम्हें दी दियो लू और फोन ऑन दे रहा तुम्हारे बुआरी को सुरेश को सूर्यास्त कर याद दो कोई बात नहीं बड़ी ठीक तब जाओ तब अरे क्या चीज दिखा पानी नहीं सकू ले पानी कर यहाँ तेरे तुम्हें तुलियो चिखा अरे यो क्या चीज कुछ न्यूज़ टाइप की चीज लगने लगी दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। देश में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की तादाद 139 हो गई है। सबसे ज्यादा 41 केस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में ही एक कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया। इस तरह उन मृतकों की तादाद 3 हो चुकी है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस बार लॉकडाउन लगने चाहिए। भगवान यू की आए छे देश में कोरोना बल्कि कोरोना की आए छे भाई ये महामारी के यहाँ मां बस ताव लगवाओ छे अब बेटा ये भगवान गुनु पापा की कंपनी भी बंद होने वाली छे और पिछला महीना किराया भी नहीं दिन छे हमना भगवान भी तो भयंकर टेंशन में भी छे और ढेर बेटी में लड़ाई करके छे आयो कि गुनु भविष्य हाल ठीक था अब गुनु भविष्य इस के बुरु के वे सक दू अब कन के मुख दिखाल छे घर में भगवान गुनु पापा ते थोड़ा फोन कर दियो मैं तो घर कन कन मुख दिखाल छे अपने सासु ससुर जी में वही दिन मेरे सासु आने वाले छो तय के बोल मैं आई छ देर दो ए भगवान अब मैं की करूँ छे ए भगवान अमर भूकमनक दिन आएगे छे मेरे कपाल ही फूटू थे जो मैं आए छो अपने पहाड़ छोड़ के बस मी तैयार लगू था कि गुनु भविष्य सुधरल गुनु भविष्य सुधरल पर क्या छे लॉकडाउन में जत कनिया पैसे थे तब तक मैं निराशन ली ए भगवान अमर भूखा मनक दिन है कि छ यु त दो तीन दिन को गुजारा भी नहीं छ हम ते अरे तुम बड़े नौकरी पर हन थे ना तभी अमरी यु दिन न दिखड़ पर तो थे इत का भी थे ता बहुत है जो मैं तुम्हारे पेट को गुजारा थे कर लगी हूं भगवान अब मैं की करूं छ अब मैं घर में भी तो फोन नहीं कर सकदो ने जी सुरेश जी ससुर जी ते फोन कर ही दिया ने मकियान का दी फोन जन तुम लड़ाई करके आए ढेर बेट तुम ही करा खुद और मैं क्या मुखन करूं छ ससुर जी को ते बात जय मुखन तुम ना बोली से कि मैं देर दू ना दू तई मुखन करा तो मैं ते थे पता कि वे कोरोना आलू बल हमार सर मथिले हैं मैं ते थे पता अब हम पर क्या गुस्सा दिखाना गलती तो तुम्हारी ना गलती हमारी थी क्या ही गलती थी मेरी मैं ते तब सुपिन हो ही नहीं छी कि यू कोरोना बल्कि कोरोना जैसी बीमारी आली गुनु की भविष्य भी करिए तुमने बर्बाद गांव उन थे ही मैं तो अपने गुनु भविष्य सुधार न थे तो आयु भविष्य सुधार न थे आयु अब नौकरी भी छुट्टी दी अब कान कर मैं तुम्हारे पेट को गुजारा जखिन भी कर दा हमने पहाड़ छोड़ दिया मैं तुम ते हाथ जोड़ दू छे ससुर जी ते तुम बात कर दिया सुरेश जी हम भोई निकाल दे अपना पहाड़ तय हम पैकिंग कर दे और तब 3-4 दिन बाद लॉकडाउन लगा लो गाड़ी भी नहीं चलल छे हम भोए जान छे कहना के हाल ठीक लग दो ठीक छे मैं पैकिंग कर दो ठीक है ठीक अरे बड़ी जी हां बे बड़ी जी प्रणाम हाँ बड़ी ठीक छे तबीयत तुमने दवाई मंगाई ना आज तक तबीयत ठीक बड़ी जी वो तो बड़ी मुश्किल से मिली तुमने पता पूरा देश में एक महामारी छे फैलने लगी इतना तेजी से फैलना कि हमारे देहरादून हमारे उत्तरकाशी सारी जगह फैली छे सुरेश को फोन नहीं आए पता बड़ी जी कोरोना बल बड़ी जी चाइना भी फैली बल है
और तुम ते पता मेरी नौकरी भी छुटेगी, मैं कंपनी में करते काम और मैं सुनी परसी मेरे सुरेश के बात हुई, मैंने कॉल करी तेरे तेन तेन बोली मेरी नौकरी भी छुटेगी चीज, तो मैं सोची हुई पहाड़ लौटेगी बोलू कॉल नहीं आया तेरे को बर्थडे जी का चीज घर चल मैं सोच की सुरेश भी आएगी घर ना आई मैं तेरे कॉल कर लू बाडी जी तुम इतना कॉल कर दे आना तक हूं खतरा सिखा ली नहीं तेरे कॉल कर आना की जल्द से जल्द हो सके घर रह जा क्या लगी जल्द ही लॉकडाउन लग रहा था। मोदी जी ने घोषणा करी 2-4 दिन में लॉकडाउन लगी चालू, अगर लॉकडाउन लगी चालू तो सब कुछ बंद हो जाए ना रोड गाड़ी चला ली कुछ सब कुछ बंद हो जाए, लॉकडाउन मतलब सब कुछ बंद हो जाए मतलब यहाँ मैंने कदम उठाया और जल्द जल्द घर आई ऊपर से तुम न मिले कॉल करी की दवाई भिजा दी के लिए मैं हॉस्पिटल पता था सुरेश पता नहीं कख रहा था दूर रख हॉस्पिटल से इसलिए मैंने दवाई भिजवा मतलब दवाई ले दी ना अपनी कह रही और तुम सुरेश ते फोन कर बड़ा तय बोला कि तेरे कॉल कर कि घर बुला जाती हूँ क्या कि तक रहा खतरा से खा ली नहीं अच्छी थे ही तो टीवी दिखा ली हाँ तुमने न्यूज पर देखी हो तुम ना और ये डॉक्टर भी अब भाग क्या बार कितने बार निकालना लगी हाँ बाडी जी तने चाहू लोग फायदा उठाना बीमारी भी फैलना लगी देश में क्या कन बाडी जी अब हमारे पहाड़ चाह जो हमने बचा सकता और कुछ ना हो सकता बाडी जी फिलहाल मैं चल दू माँ को भी चिंता हॉल करने की कख रहे पहले पहले मैं यखी मैं घर भी ना गई मैंने बोल बाडी जी तब मिले गए और ठीक बाडी जी तुम सुरेश थे और सुरेश की बॉडी तो कॉल करा दिया कि जल्द से जल्दी घर रह जाओ ठीक बाडी जी ठीक तब है ठीक बाडी भगवान एक अंकल बीमारियां लगी है जमाने में कल होल मेरे गुंड में सूर्य ऐसा खो दी यहाँ के बुआरी का आड़न खेल कन कन बच्चा रहता खो दी मैं बोलो तू तो देखते डर सा लग लगी टीवी पर रहा कन वाला मेरे दिया हुआ मैं सुरेश मैं बोलो किले छे भाई तू रोना तेरी बुआरी कर तू रक्षा तीन लिखाई था तीन हाथ पर वाली था तीन बजे तक फूनी देवी माता का ना रुक चक्कर ली मेरे बेटा की चक्कर ला था कन कन वाले तक को दी और सब बढ़िया ही तू खा के रुंदी ला खाना बना दी चल खाना बना रोना क्यों तू लेकिन तूने फालतू में तुमने खा लग पड़ी मैं लाड़ी तक को दी कन कन वो हां कोस के लाड़ कम के खाना सुना सुना भगवान से भी अपनी माँ के लिए कर क्या कर माँ ही छाड़ तेरी इन क्या कर तू ना मैं अपने गुन्नू ससुर जी सास जी मैं अपने गुन्नू भाभी से पर मैं माफ कर जाओ ससुर जी को कर जाओ भी माफ हम तो माफ ही कर गलती सबसे सी होंगी अमर पहाड़ माके नीचे कोई बात नहीं कुछ कोई बात नहीं आएगी तुम खाओ कमाओ मैं सब डखरास पुंगली सब करूं छ ससुर जी पिताजी लॉकडाउन में नौकरी भी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक कर दे शेयर कर दे और कमेंट जरूर करें आपने देखा होगा किस तरह से लोग अपने पहाड़ों से पलायन करते हैं हर जगह पलायन है हमारे यहाँ भी किसी और जगह भी होगा लेकिन जब कोरोना आया था कोरोना के टाइम पे सब अपने पहाड़ लौट के आए थे कोरोना के ही टाइम पे हमें अपने पहाड़ की महत्व
हमारे पहाड़ की महत्ता हमें समझ आई थी कि हमारे पहाड़ कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे। जिस टाइम पे इनकी बहू इन्हें छोड़ के गई थी तो वो गई थी कि हमारे पहाड़ में कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती, बल्कि हमारे पहाड़ों में सब कुछ है अगर हम समझे। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है पहाड़ों में, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है थोड़ा बहुत, उतना तो पहाड़ों में चलता है। और वो पहाड़ी क्या जो प्रॉब्लम को फेस ना करे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर पहाड़ में ना हो तो पहाड़ी नहीं कहलाते हैं। तो देखते हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आपको वीडियो में। ये हमारी सारी टीम थी जितने लोगों ने भी इसमें वर्क किया, साहिल, इसिका, मयंक, अनमोल, ललिता। तो होप करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी, और अगर नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी रहती है, तो हम उस कमी को अगली वीडियो में दूर करेंगे। जो भी आपको हमारी वीडियो में कमी या कुछ अच्छा ही लगती है तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। एक बार अपना अमूल्य कमेंट हमें बताएं कि आपकी वीडियो में ये कमी रहती है, आपकी वीडियो इतनी अच्छी रहती है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई हमारी सराहना करता है कि आपकी वीडियो अच्छी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए उतनी अच्छी मेहनत करेंगे। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। आप लोग कुछ अपने दर्शकों को बोलना चाहोगे? तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। तो जल्दी हम दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे, इसके हमने दो पार्ट बना दिए हैं। और लास्ट में मैं आपको खुशी देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया है। अब इस चैनल पे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, शायद मैं ब्लॉगिंग के लिए नया चैनल खोलूं अगर हो सके तो। मतलब हमने मोनेटाइज कर लिया है चैनल, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, और ये खुशी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी थी। तो हमारा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया, और ये इन दोनों की वजह से जो मेरी लास्ट की दो वीडियो थी उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो उस वजह से मोनेटाइज हो गया चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय बाय।